जो छूट गईं पर जिंदा हैं। तारीख के पन्ने फिर पलटो, फिर याद करो हर कुर्बानी, मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ, मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नाकाम होने के बाद एक बड़ी तब्दीली आ गई। वो तब्दीली ये थी कि मदरसों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को ग़ुलामी की जंजीरों का एहसास होने लगा। वो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने लगे और सिर्फ इस जद्दोजहद में ख़ुद शामिल नहीं हुए बल्कि औरों को शामिल करने की कोशिशों में जुट गए। लगातार जगह जगह अलग अलग तंजीमें बनने लगी, नई नई तंजीमों की बुनियाद पड़ती, जिसको जो तंजीम बेहतर लगती वो उसमें शामिल हो जाता। मगर मकसद सबका एक था, हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। इनमें अमन पसंद भी थे और हथियारबंद इनकलाब के शैदाई भी। मुल्क में रहकर लड़ने वाले भी थे और बाहर रहकर प्रचार करने वाले, माली और तंजीमी मदद करने वाले भी थे। इनमें मजहबी लोग भी थे और गैर मजहबी भी। आज हम आजादी के एक ऐसे ही जियाले की बात करेंगे जिसका ताल्लुक मदरसा देवबंद से था। वो देवबंद जिसने लगातार आजादी की जद्दोजहद में शामिल होने वाले और आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वालों की नई नई नस्लों की परवरिश की। इस आज़ादी के जियाले का नाम है मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एक सिख खानदान में 10 मार्च 1872 को सियालकोट के चियावाली गांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम राम सिंह था, उनका नाम बूटा सिंह रखा गया। अभी वो 4 महीने ही के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालदा उनको और उनकी बड़ी बहन को लेकर उनके दादा के घर आ गईं। अभी उनको वहां रहते हुए साल भर भी नहीं हुआ था कि उनके दादा भी जाते रहे। उनकी वालदा के पास अपने मायके जाने के अलावा कोई चारा न बचा। दोनों बच्चों के साथ उनकी वालदा डेरा गाजी खान जिले के जामपुर इलाके में आ गईं, जहां उनके भाई पटवारी थे। 1878 में 6 साल की उम्र में बूटा सिंह को गांव के स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। उस वक्त हिंदुस्तान के शुमाली इलाके के बड़े हिस्से में तालीम उर्दू में होती थी और इसीलिए बूटा सिंह की शुरुआती तालीम भी उर्दू में ही हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने जामपुर के ही एक मिडिल स्कूल में शुरू की। वो बेहद जहीन थे और क्लास में हमेशा अव्वल ही रहते थे। यही वो वक्त था जब उनका रुझान इस्लाम की तरफ होने लगा। दिनों से कौन सी किताब लिए घूम रहे हो? ये किताब? हाँ, इस मसले पर है ये किताब। ये तोहफतुलिल है, मौलवी साहब ने मुझे पढ़ने के लिए दी थी। बड़ी दिलचस्प मालूम होती है, मुझे भी देना ये पढ़ने के लिए। यार बूटा सिंह, पहले तुम पढ़ लेना, बाद में हम पढ़ लेंगे। कहते हैं कि तोहफतुल हिंद और कुछ ऐसी ही किताबें पढ़ने के बाद मौलाना उबैदुल्ला का झुकाव इस्लाम की तरफ हो गया। उन्होंने खानदान में जब यह जिक्र किया तो उनकी माँ और बहन नाराज हो गई, वो घर छोड़कर भाग गए। 15 अगस्त 1887 को उन्होंने
और उनके दोस्त ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब इस्लाम कबूल किया तो नाम का सवाल पैदा हुआ। तोहफतुल हिंद के मुसन्निफ के नाम पर उनका नाम रखा गया उबैदुल्ला और उनके दोस्त का नाम अब्दुल कादिर। कहते हैं कि वो जल्द ही सिंध चले गए और वहाँ उन्होंने अरबी पढ़नी लिखनी सीखी। भुरचंडी के हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ के शागिर्द हो गए और सिंध को अपना घर बना लिया। 17 साल की उम्र में उबैदुल्ला सिंधी देवबंद आ गए, जहाँ उन्होंने शेखुल हिंद की सरपरस्ती में तालीम हासिल की। इस तालीम का असर उनकी ज़िंदगी पर, उनके किरदार पर ताउम्र कायम और नुमाया रहा। यहीं उन्होंने कुरान, हदीस, फिका और मंतिक पर गहरी पकड़ हासिल की, उसका गहरा मुताला किया। वो हर इम्तिहान में अव्वल आते रहे। शेखुल हिंद की हिदायत पर वो गंगोह चले गए, जहां उन्होंने रशीद अहमद गंगोही की सरपरस्ती में अपनी तालीम जारी रखी। उबैदुल्ला सिंधी गंगोह से सुक्कुर, जो आजकल सक्खर कहलाता है, आ गए। यहां आकर उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल के मास्टर मौलाना मोहम्मद अजीमुल्ला खान की बेटी से निकाह कर लिया। इस निकाह में उनकी वालदा और बहन भी शामिल हुए और खानदान एक बार फिर जुड़ गया। पढ़ने की ख्वाहिश अब भी पूरी तरह बरकरार थी और सिंध और उसके आसपास का कोई ऐसा कुतुबखाना नहीं था जहां जाकर वो पढ़े ना हो। शाह वलीउल्लाह को उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा और उनको अपना इमाम मान लिया। सिंध से उन्होंने वापस देवबंद का रुख किया, जहां उन्होंने हदीस और फिकह पर मजमून लिखे। देवबंद में वो ज्यादा देर नहीं टिके, उन्हें सिंध की मिट्टी बुला रही थी, वो वहीं बसना चाहते थे। वो सिंध अमरोट पहुंचे, जहां उन्होंने अरबी और सिंधी की नायाब किताबें इकट्ठा की और उनका मुताला किया। उनकी दिली तमन्ना थी, उनका एक ख्वाब था कि वो अपने तजुर्बे और अपने मुताले की रोशनी में एक नए निसाब के साथ स्कूल या मदरसे का कयाम करें। मगर माली हालात ने उनका ये ख्वाब पूरा ना होने दिया। वो मौलाना असदुल्ला के मदरसे में पढ़ाने लगे। 7 साल तक वो तालीम और दर्स देते रहे और तब शेखुल हिंद ने उन्हें वापस देवबंद बुला लिया। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी देवबंद लौट आए और यहाँ उन्होंने जमायतुल अंसार में पढ़ाना शुरू किया। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि शेखुल हिंद ने उन्हें सलाह दी कि वो दिल्ली चले जाएं। उनकी ज़िम्मेदारी थी नौजवानों को अपने साथ जोड़ना, ताकि आज़ादी की तहरीक शुरू की जा सके। दिल्ली में नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के अलावा उनकी एक और भी जिम्मेदारी थी, सियासी रहनुमाओं के साथ ताल्लुक कायम करना। यहाँ उनका उठना बैठना मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अंसारी के साथ शुरू हो गया। दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद में दीनी तालीम के साथ साथ सियासी तालीम भी चलती रही। धीरे धीरे नौजवानों की तादाद जो उनसे तालीम लेने के लिए आते थे बढ़ती चली गई। इसकी खबर पुलिस के कानों तक पहुंच गई
और जल्द ही मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है कि नौजवानों की तादाद जो मस्जिद में आ रही थी वो भी कम होने लगी। मौलाना ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 30 साल पढ़ने पढ़ाने और मुशाहदे में गुजारे। लगातार सियासी सोच और नौजवानों के जहनों को गरमाना ये उनका ज़िंदगी का मकसद था। दिन पढ़ने और पढ़ाने में गुजरते तो रातें तहरीक आज़ादी और गुलामी की जंजीरें काटने के मंसूबे बनाने में। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी हिंदुस्तान की गुलामी से बहुत परेशान रहते थे और वो इस सरजमीन को जल्द ही बरतानिया की गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहते थे। शाह वलीउल्ला और मौलाना मोहम्मद इस्माइल शहीद के ख्यालात और उनकी कुर्बानियों का मौलाना पर बहुत असर था। वो उस वक्त के बारे में अक्सर सोचते जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा और हिंदुस्तानी आवाम खुद अपनी हुकूमत कायम करेंगे। उनकी सियासी समझ के बारे में अक्सर इनकलाबी ग्रोहों को पता चल चुका था और पुलिस को भी। अभी मौलाना के मंसूबे खुद उनकी नज़र में भी पूरी तरह वाज़े नहीं हुए थे कि शेखुल हिंद ने उन्हें काबुल जाने को कहा। मौलाना को ना तो इस बात का अंदाज़ा था कि उन्हें काबुल क्यों भेजा जा रहा है और न ही वो इस तरह अचानक मुल्क से बाहर जाने पर खुश थे। उन्होंने अपने साथियों को भी नहीं बताया कि वो काबुल जा रहे हैं। शेखुल हिंद ने उनके पहुंचने की खबर काबुल में अपने साथियों के पास पहले ही भिजवा दी थी और उस काम की ज़मीन भी तैयार करवा दी थी जो मौलाना हिंदुस्तान में करना चाहते थे। काबुल पहुंचने पर शेखुल हिंद के मंसूबे की तफसीलात मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को हासिल हुई और उसी मंसूबे का एक हिस्सा था काबुल में हिंदुस्तान की जिला वतन सरकार का कयाम। सन 1915 में काबुल में उबैदुल्ला सिंधी ने मौलाना बरकतुल्ला भोपाली, राजा महेंद्र प्रताप, मौलवी बशीर वगैरह के साथ मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायम की। तो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी मौलाना महमूद हसन के बड़े करीबी, एक तो अरबी मदरसों वगैरह में ये निज़ाम था कि उस्तादों में और तलबा में बड़ा गहरा रबता था। अब वो एक हद तक अलीगढ़ में भी यही बात थी, तो वो मौलाना के बहुत करीब आ गए और मौलाना ने उनके मर्दम शुमार भी थे, इनकी सलाहियतों का उन्हें पूरा अंदाज़ा था, तो उन्होंने इनको काबुल भेजा और कि जाके, हाँ, दिल्ली में एक मदरसा कायम हुआ नज़ारतुल मारिफ के नाम से, जिसमें बाकायदा इसकी तलकीन की जाती थी जिहाद की, कि जिहाद की तैयारी करो। तो भेजा अफगानिस्तान कि जंग के ज़माने में अगर हमला कर दिया जाए अफगानिस्तान की तरफ से तो हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये वहाँ पहुँचे तो कुछ हिंदुस्तानी इनकलाबी पहले से पहुँच चुके थे, राजा महेंद्र प्रताप और प्रोफेसर बरकतुल्ला, तो इन लोगों ने सब ने मिल के वहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई हिंदुस्तानी, और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी होम मिनिस्टर बनाए गए। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा कारामद है कि आप सिल्क लेटर कंस्पिरेसी और उबैदुल्ला सिंधी और हुसैन अहमद मदनी और राजा महेंद्र प्रताप के रोल को एक लार्जर कौमी कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसलिए कि वो जो कुछ कर रहे थे वो वही कर रहे थे जो और जगह और ग्रुप्स करते थे। और ग्रुप्स को कामयाबी मिली या नहीं मिली तो तारीख बताएगी, या इन लोगों को कामयाबी मिली या नहीं मिली ये भी तारीख बताएगी, लेकिन इन्होंने यकीनन जो है वो अंग्रेज़ी सरकार को ये ज़रूर बता दिया कि हम में दम है, हम इंस्पायर्ड हैं और चाहे जितनी मुश्किलात हो लेकिन हम अंग्रेज़ी हुकूमत को और इंटरनेशनल पावर्स की मदद से ज़रूर हटा देंगे या कमज़ोर कर देंगे।
तो सिल्क लेटर कंस्पिरेसी की, जिसमें उबैदुल्ला सिंधी का बड़ा हाथ था, सिल्क लेटर कंस्पिरेसी की मैं समझता हूँ अहमियत इसलिए है कि उसने हिंदुस्तान की आज़ादी को एक ग्लोबलाइज करने की कोशिश की। राजा महेंद्र प्रताप इस चिलावतन सरकार के सदर थे, बरकतुल्ला भोपाली इसके वजीर आजम थे, मौलाना को मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स का दर्जा दिया गया। इस सरकार ने सोवियत इनकलाब से पहले जार और सोवियत इनकलाब के बाद वहां की सरकार से ताल्लुकात पैदा किए। साथ ही चीन, जापान, तुर्की और जर्मनी की हुकूमतों के साथ भी ताल्लुकात पैदा किए गए। मौलाना महमूदुल हसन हिजाज के सफर पर निकले ताकि वस्त एशिया की हुकूमतों से हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के लिए मदद हासिल कर सकें। राजा महेंद्र प्रताप पेट्रोग्राद में रुके और वहाँ ट्रॉट्स्की से मुलाकात की, मगर पहली जंग अजीम के बाद दुनिया के हालात बदल चुके थे। अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान की हुकूमत पर दबाव डाला और इस सरकार को ख़त्म कर दिया गया। 1916 में अमीर हबीबुल्ला की सलाह पर मौलाना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस के बारे में प्रचार करना भी शुरू कर दिया था। 1922 में डॉक्टर अंसारी के साथ मिलकर उन्होंने काबुल में आईएनसी की एक शाख भी शुरू कर दी थी, जिसका सीधा ताल्लुक ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के मरकजी दफ्तर से था और इस तरह शाह को शुरू करने का फैसला बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस के गया इजलास में लिया गया था। बरतानवी साम्राज्य की हदों के बाहर कांग्रेस की ये पहली शाख थी और उसके पहले सदर थे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। मौलाना काबुल से मॉस्को चले गए। सोवियत हुकूमत उनके साम्राज्य मुखालिफ रवैये से अच्छी तरह आशना थी और इसीलिए सोवियत हुकूमत ने मौलाना का बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। यहाँ सोशलिज्म के नज़रिए पर, उसके फ़लसफे पर, किताबें, अदब और सारी सहूलतें मौलाना को फराहम की गईं ताकि वो इस फ़लसफे को समझ सकें। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी सोशलिज्म के नज़रिए से काफ़ी मुतासर थे और शायद इसकी एक वजह थी उनकी लेनिन से मुलाकात। कम्युनिस्टों का, सोशलिस्टों का मज़हब की तरफ रवैया इख्तलाफ का बायस था। यहीं पर वो कम्युनिस्टों से इत्तफाक नहीं रखते थे। बहरहाल 7 माह मॉस्को में रहने के बाद वो तुर्की की तरफ रवाना हुए। अपने लादादा दोस्तों की काविशों की वजह से वो अंग्रेज़ों की खुफिया एजेंसियों से बचते बचाते तुर्की पहुंच गए। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी 3 साल तक तुर्की में रहे और घूम घूम कर मुस्लिम हुकूमतों के रहनुमाओं को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए यकजा करने, इकट्ठा करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे। उन्हीं दोनों वहां मुस्लिम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मौलाना ने फैसला लिया कि वो इस मौके का इस्तेमाल हिंदुस्तान की आज़ादी के मकसद को उजागर करने में ज़रूर लगाएंगे। उबैदुल्ला साहब, ये सब तो ठीक है, पर आपको अच्छी तरह से मालूम है पूरी बरतानवी खुफिया एजेंसी आपके पीछे है। आप जैसे ही इस देश से बाहर निकलेंगे आप गिरफ्तार हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। दुरुस्त फरमाया आपने जनाब, पर बरतानवी सरकार कब हमारे पीछे नहीं थी ये बताइए। वो कल भी थी और आगे भी रहेगी। पर क्या आपको इस बात का इल्म है कि मक्का में होने वाली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है? जी हाँ, ये तो है। हम वहाँ जाकर तमाम दुनिया के इस्लामी सियासतदानों के आगे मुसलमानों की मुश्किलात और उनके समाधान पर बात करेंगे। अब बदलाव बहुत ज़रूरी है जनाब। अब अगर बदलाव की पहल नहीं की गई ना, तो आते वक्त में
हमारी कौम को ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिसका मुमकिन है कोई हल ही ना हो। और एक बात, अगर सारे मुस्लिम सियासतदान हिंदुस्तान के हक में खड़े हो जाएं ना, तो आज़ादी कोई ज़्यादा दूर नहीं, हमारी मुट्ठी में हो। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मेरी ज़ाती राय यही है कि आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मैं आपके कागजात तैयार करवाता हूँ। जी ज़रूर, बेहतर। बरतानवी खुफिया एजेंसी की पूरी नज़र उबैदुल्ला सिंधी पर थी। उन्हें चकमा देने के लिए वो तुर्की से इटली गए और वहां से मक्का जाने की कोशिश में लग गए। बड़ी मुश्किलों से उबैदुल्ला मक्का पहुंचे, लेकिन तब तक वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। बहरहाल वो उन मुस्लिम रहनुमाओं से मिलने में कामयाब हो गए जो वहां रुके हुए थे। मक्का में रहते हुए उन्होंने वहां के कुतुबखाने जाना और मुस्लिम उलमा से मिलना जारी रखा। वहां उन्हें अलग अलग मुल्कों के मुसलमान मिले जिनके यहाँ इस्लामी सरकारें थीं। उनके तजुर्बात के बारे में बातचीत करना मौलाना के लिए काफी मददगार साबित हुआ। उधर हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, जिसके तहत ये उम्मीद की जा रही थी कि अवाम के चुने हुए नुमाइंदे ही सूबाई और मरकजी सरकारों को चलाएंगे। ये भी साफ साफ नजर आ रहा था कि अब हिंदुस्तान की अवाम सियासी तौर से बेदार हो रहे हैं। 1936 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और दूसरी तंजीमों ने आवाज उठाई कि उबैदुल्ला सिंधी के हिंदुस्तान लौटने पर लगी पाबंदी फौरन हटा ली जाए। बड़ी मशक्कत के बाद 1 नवंबर 1937 को मौलाना के हिंदुस्तान वापसी पर लगी पाबंदी हटा ली गई और 1 जनवरी 1938 को उन्हें हिंदुस्तानी पासपोर्ट दे दिया गया। 24 साल बाद यानी 1939 में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी कराची लौट आए। हिंदुस्तान आने से पहले मौलाना ये मंसूबा बना चुके थे कि नौजवानों को किस तरह आज़ादी की तहरीक में शामिल किया जाएगा। हिंदुस्तान आते ही उन्होंने घूम घूम कर तकरीरें करना शुरू की और साथ ही अखबारों में लिखना शुरू किया। कराची और सिंध से जल्दी ही बाहर निकलकर उन्होंने आज़ादी का पैगाम देना शुरू किया। ये आज़ादी का पैगाम लेकर वो कलकत्ता भी गए। जल्दी ही उन्होंने एक नई पार्टी की शुरुआत की जिसका नाम जमुना नर्मदा सिंध सागर पार्टी रखा गया। इसके दफ्तर दिल्ली, कराची और लाहौर में खोले गए। मौलाना इस बात पर लगातार जोर देते रहे कि आज़ादी की तहरीक का मकसद सिर्फ आज़ादी हासिल करना नहीं है। उन्हें एहसास था कि आज़ादी के बाद इक्तिसादी और समाजी तब्दीलियां भी नज़रों में रहनी चाहिए। वो लगातार हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते रहे। वो एक ऐसे हिंदुस्तान का तसव्वुर पेश कर रहे थे जिसमें सबकी शमूलियत होगी, जिसमें हर शहरी बराबर होगा। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हो अमीन खोसा? बस अल्लाह का शुक्र है मौलाना साहब। और सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? वैसे कल से तो बेहतर लग रही है। अल्लाह का शुक्र है और आपकी मोहब्बत है, इसीलिए अभी तक जिंदा हूँ, वरना इतनी तकलीफ में जिंदा रहना भी बड़ा मुश्किल है भाई। और मुजीब मियाँ, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? बस ठीक है मौलाना साहब। और कैसे हैं सियासी हालात इस मुल्क के भाई? हैं, देखना अमीन, इन मजहबी ताकतों की वजह से मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। अरे इन कमबख्तों को मालूम ही नहीं, अरे ये लोग जानते ही नहीं हैं कि मजहब का मतलब क्या होता है। मुल्क के टुकड़े और वो भी मजहब के नाम पे, अरे सरासर सियासत है ये। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुसलमान पिछड़ जाएंगे, उन्हें सियासत में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी मौलाना साहब।
अगर मुल्क का मजहबी बंटवारा हुआ तो जरूर पिछड़ जाएंगे। आज सबसे ज्यादा जरूरत है सब मुसलमानों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वे अंग्रेजी सीखें, दूसरी जुबानें सीखें भाई, तभी तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया में जहां जहां आज़ादी की जंग छिड़ी है वहां उसके बाद के हालात क्या होते हैं, मसले क्या होते हैं, और अगर मुल्क के टुकड़े होते हैं तो किस बिना पर। अफसोस, इतने सालों से जो लड़ाई चल रही है वो सब जाया हो जाएगी मियां। पर आप लोग भी तो सियासत में मुसलमानों की तरजीह की बात करते हैं मौलाना साहब। हाँ, मगर हिस्सेदारी की बात करते हैं मियां, बराबरी की बात करते हैं, हैं? मजहब के नाम पर टुकड़े करने की नहीं। मुझे इसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आता मौलाना साहब। हाँ, क्योंकि आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं है, जद्दोजहद ही नहीं की है भाई। अरे मियां, किताब पढ़ के सीखने का मन नहीं होता है तो किसी ऐसे शख्स से सीख लीजिए ना जिसने अपने बाल तजुर्बे से सफेद किए हो। मौलाना कराची में थे, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती, लगातार मशक्कत, मुल्क से दूर रहना, जद्दोजहद और आज़ादी की लड़ाई में मशक्कत उठाते रहना, उम्र के साथ साथ ये चीज़ें उनकी सेहत पर पूरी आबोताब के साथ असर डालने लगी थी। बेहद मना करने के बावजूद मौलाना जब ज़रा बेहतर होते सिंध में तकरीरें देने निकल पड़ते। सिंध में एक बार उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी बेटी उन्हें दीनपुर ले आई, यहाँ उनका इलाज शुरू हुआ। 22 अगस्त 1944 को आज़ादी के इस जांबाज सिपाही ने आखिरी सीन सोने का फैसला कर लिया। उबैदुल्ला सिंधी की शख्सियत जो है वो बड़ी दिलचस्प शख्सियत है, इसलिए कि वो जहाँ से जब आज़ाद हुए तो बहुत दिन तक वो बाहर रहे, हिंदुस्तान के बाहर रहे, और उस वक्त जो खिलाफत तहरीक और जो दूसरी तहरीकें हिंदुस्तान में हो रही थी उसमें उनका कोई बहुत गहरा ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जो मज़ामीन लिखना शुरू किए जो कि मुख्तलिफ रसायल में छपते थे उसमें उनकी सियासत ने एक रुख लिया और वो रुख जो है वो सोशलिज्म की तरफ था। लड़के वालों से कहना।